Hello you all, welcome back to my channel. Today we are going to make a very simple anda masala curry. इसके सारे ingredients आपको घर में मिल जाएंगे. It's an amazing recipe and a tasty one. So without any further ado, let's get started with this recipe. So firstly हम एक मसाला prepare कर लेंगे. For that हमें लेना है 4 onions thinly sliced, garlic, ginger, some fresh coconut and थोड़ा सा हरा धनिया. Blend it all together using some water and make a fine paste out of it. अंडा करी में अंडा डालने के लिए उसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे सो दैट इट गिव्स अ नाइस आउटर क्रिस्पी एज. सो प्रिक द एग्स बिफोर एडिंग देम इनटू द ऑयल, अदरवाइज वो स्प्लटर करेंगे बहुत. सो पहले आप इसे प्रिक कर ले यूजिंग टूथपिक और फोक. कवर एंड देन ऐड ऑल द एग्स. यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, यू कैन यूज़ योर चॉइस ऑफ ऑयल. Just fry them a little bit using some spices. I'm adding red chili powder and a bit of haldi for the color. Just fry them until it forms a dark color on the base. इसे हम बीच-बीच में चलाते रहेंगे. So the process of frying the eggs will roughly take around 5 to 8 minutes. And now these are perfectly ready. इसे हम अब निकाल लेंगे. And in the same vessel, we will add 2 more tablespoons of mustard oil or any other oil of your choice. Then इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच जीरा, एक बे लीफ यानी कि तेजपत्ता, एक छोटा सा सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी. फिर इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कटा हुआ अनियन एंड जस्ट लाइटली रोस्ट ऑल ऑफ देम. अनियंस को हल्का भून लेने के बाद जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे. इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और ढककर इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे. आफ्टर कुकिंग द मसाला फॉर 10 मिनट्स ऐड प्यूरी ऑफ 2 टमेटोज. इससे एक अच्छा बेस ग्रेवी बन जाएगा और फिर इसे भी हमें कुक करना है फॉर अबाउट 15 मिनट्स चेक इन इंटरवल्स सो दैट मसाला नीचे लगे नहीं. आफ्टर कुकिंग द मसाला फॉर 15 मिनट्स इट्स टाइम टू ऐड सम ड्राई स्पाइसेस. उसमें ऐड करेंगे हम एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, एक छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर फॉर द कलर एंड देन ऐड सम अमाउंट ऑफ वाटर टू मिक्स एवरीथिंग वेरी वेल. ऐड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट विच वी शुड हैव एडेड अलॉन्ग बिफोर. और इसी के साथ हम ऐड करेंगे पानी एज पर योर रिक्वायरमेंट और कंसिस्टेंसी दैट यू आर लुकिंग फॉर. यहाँ पर मैंने 500 ml ऑफ वाटर डाला है यानी कि 2 कप. अब इसे कवर कर कर हम 10 मिनट्स पका लेंगे जब तक कि इसमें अच्छा बॉईल नहीं आ जाता. एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड ऑल द फ्राइड एग्स. सो आफ्टर 10 मिनट्स यू कैन सी दैट द ऑयल हैज कम अप और अच्छे से बॉईल हो चुकी है सब्जी. अब हम इसमें ऐड कर देंगे एग्स. देन ऐड 1/2 teaspoon ऑफ गरम मसाला और इसी के साथ ऐड करेंगे बहुत सारा फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स. Mix this and cover and cook again for 10 minutes. And after 10 minutes, you can see that the curry has got thick and we have reached the consistency that we are looking for. And tada, our anda curry is ready. Enjoy this with some steamed rice or even roti. I hope you all enjoyed watching this recipe.
please try your hands on this anda masala curry. Like this video if you really enjoyed watching this. Share this with your friends and family. Subscribe to the channel if you are new here and hit the bell icon right next to it so that you get all the recipe notifications. I will see you in the next video. Till then, happy cooking.